हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल फील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रमजीत और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो नेटवर्किंग की दुनिया में आईपी एड्रेस एक बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस कैसे काम करता है मैं आपको आगे वीडियो में डेमो दिखाऊंगा। जैसे हमारी डेली लाइफ में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, स्कैनर, लैपटॉप, ये सारे नेटवर्किंग चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मेरे फ़ोन में। ये मैं मोबाइल डाटा चला रहा हूँ और मैं गूगल पे सर्च कर रखा हूँ माई आईपी। आप भी सर्च करिए और आईपी शो कर जाएगा। अब मैं नेट को डिसेबल किया और उसको दोबारा इनेबल करूँगा। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा आईपी चेंज हो गया है। तो इस तरह के आईपी को डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। और दूसरी बात करें तो स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस स्टैटिक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। मान लो आपके घर पे या ऑफिस में कोई ISP से आप इंटरनेट का कनेक्शन ले रखे हैं। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जब भी आप फ़ोन में इंटरनेट चलाएंगे और ब्राउज़र में, जैसे मैं सर्च कर रहा था माई आईपी और वो चेंज हो रहे थे, तो वो चेंज नहीं होंगे। जो भी आप आईपी ले रखे होंगे वही आईपी ही आपको फ़ोन में बार बार शो करेगा ब्राउज़र में सर्च करने के बाद। पर जो भी आईपी आप लिए होंगे, आप किसी राउटर में कॉन्फ़िगर किए होंगे, और राउटर में कॉन्फ़िगर करने के बाद जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं राउटर के थ्रू, वो राउटर उनको आईपी प्रोवाइड करता है। पर डिवाइस में जब भी आप ब्राउज़र में सर्च करेंगे माई आईपी, तो वो आपका स्टैटिक आईपी ही शो करेगा जो आपने ISP से ले रखे हैं। जैसे मान लो मेरे राउटर में लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल कनेक्टेड है, तो ये राउटर इनको आईपी प्रोवाइड करेगा खुद जनरेट करके। जैसे ये लैपटॉप में आईपी हो गया 192.168.1.100, और कंप्यूटर के लिए हो गया 192.168.1.101, फिर मोबाइल के लिए 1.102। तो ये लोकल आईपी एड्रेस होता है जो राउटर खुद प्रोवाइड करता है जनरेट करके। पर जब भी आप फ़ोन में या कंप्यूटर में ब्राउजर में जाके अपनी आईपी सर्च करोगे माई आईपी, तो वो स्टैटिक आईपी ही दिखाएगा जो अपने ISP से आप लिए होगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो चेंज नहीं होते हैं। और जो लोकल आईपी है जो अभी मिला हुआ है लैपटॉप को, कंप्यूटर को और मोबाइल को, 100.101 and 102, इसको आप स्टैटिक भी बना सकते हैं या डायनेमिक भी बना सकते हैं। अगर स्टैटिक आईपी रखना है तो आप सेटिंग में जाके मैनुअली आईपी सेव कर सकते हैं जो आईपी रखना चाहते हैं, और वो चेंज नहीं होगा, वही आईपी रह जाएगा। अगर आप डायनेमिक करना चाहते हैं कि आईपी चेंज होता रहे, तो आप कुछ भी नहीं करना है, जैसे ऑटोमेटिक है वैसे ऑटोमेटिक रहने देना है। जो भी आईपी राउटर में अवेलेबल होगा वो अपने आप सिस्टम में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसका दो वर्जन है, IPv4 and IPv6। IPv4 IPv6। आईपी वर्जन 4 का एग्जांपल बताऊं तो कुछ ऐसा है, और 6 का एग्जांपल बताऊं तो कुछ ऐसा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।